बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो एक्सप्रेसो इमरान हर बात पे हम इस बात पे जरूर क्रेडिट लेते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम कोई भी दुनिया भर में रोशन करता है तो हम एक्सप्रेसो में जरूर कोशिश करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाएं। जिस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आज भी हमारे साथ एक छोटी सी उम्र की यानी कि 10 साल हानिया मिन्हास मौजूद है, जिन्होंने ताजिकिस्तान में होने वाली एशियन टेनिस जो चैंपियनशिप है ATF, उसमें अंडर 14 टाइटल अपने नाम कर लिया है। और दुशंबे में होने वाली इस ATF टेनिस चैंपियनशिप के हवाले से आपको बताएं तो अंडर 14 में फाइनल में हानिया मिन्हास ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में 6-0 और 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। और पाकिस्तान ने पहली बार, ये आपको बताते चले, जी हाँ, पहली बार अंडर 14 का टाइटल अपने नाम किया है। इस कामयाबी के बाद हानिया एशियन रैंकिंग में 18th पोजिशन पर भी आ गई है और इस पूरे इवेंट में एक मैच भी हारी नहीं है, अनडिफीटेड रही है और एशिया के अंदर ओवरऑल 4 गोल्ड मेडल्स भी विन कर चुकी हैं। ओ शी सच अ स्टार, मतलब क्या क्या बताएं आपको। और इस वक्त साथ बैठी हैं, मतलब वी हैव द ऑनर टू हैव हर विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सानिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट्स पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि गेम्स तो आप स्ट्रेट सेट्स में जीत जाती हैं और आज आप हमारे सेट के ऊपर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बारे में जो आपने विन किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कौन सा मैच सबसे टफ था जिसमें आपको लगा कि मुश्किल होगा और कौन सा मैच आपने बहुत ईजिली जीत लिया, सो टेल अस अबाउट इट। सो मैंने बहुत अच्छा खेला था और वो सारे मैचेस वो मुश्किल नहीं थे, इट वाजंट वेरी हार्ड फॉर मी टू प्ले देम। इन द फाइनल आई प्लेड एट ताजिकिस्तान गर्ल, शी वाज नंबर 1 इन ताजिकिस्तान। अच्छा, या आई बीटेड हर इन स्ट्रेट सेट्स। Yeah, first I lost the first game and then I just started beating her easily. Anya, because normally आपकी एज में बहुत सारे बच्चों को ना इस तरह से स्पोर्ट्स का इस लेवल पे शौक नहीं होता, ज़्यादातर लोग बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, फोन्स का इस्तेमाल होता है आज का, तो आपको टेनिस का शौक कब से हुआ? आपके घर में भी कोई खेलता था जिसको देख को आपको इंटरेस्ट डिवेलप हुआ? एक्चुअली हम दुबई में थे और मेरे बाबा ना वो टेनिस लेसन्स करते थे ना, बच्चों को खिलाते थे टेनिस। अच्छा। हाँ, और मैंने एक दफ़ा मैं भी ऐसी थी कि मैं ना वो स्पोर्ट्स नहीं करती थी, मैं गेम पे होती थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा रैकेट उठाया था और मैंने यू नो आई हिट इट अगेंस्ट द वॉल और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो डैडी फिर मेरे डैडी कह रहे थे कि ना तुम ना मैं तुम लेसन्स करवाते हो मेरे साथ और हम देखते हैं अगर तुमको अच्छा लगता है तुम कर सकते हो। तो मैं लेसन्स कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और फिर मैंने बाबू को लाइक आई वांट टू गो एंड पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, लाइक इट वाज लाइक अंडर 6 आई थिंक और समथिंग लाइक दैट, और नो आई थिंक अंडर 8 एंड आई वॉन माई फर्स्ट टूर्नामेंट देयर व्हेन आई वाज 7। या Yeah, and then I told my father that this is what I want. I really liked it. Wow, that's really great. And that was your first tournament. उसके बाद कितने tournaments अब तक जीत चुकी हैं आप? उस first tournament के बाद? Now total I have like 70 titles. 70 titles. Yeah. My goodness. I think like ये now बहुत ज़्यादा नहीं इतनी कम age के। I think now it must be 74 because after the Tajikistan. That's wow, जबरदस्त। really cool. Medals कितने मिले हैं अब तक आपको? 15 medals. अच्छा, usually ये जो टेनिस का गेम है ये थोड़ा हार्ड नहीं होता? तो कोर्ट में तो ये देख रहा था कि आप छोटे से हो, टेनिस का कोर्ट बहुत बड़ा होता है, फिर उसका रैकेट भी बड़ा हैवी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्मैश करने में? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं होती। या आपके लिए स्पेशली उसको कुछ छोटा किया जाता है कोर्ट को, ऐसा नहीं होता? सेम साइज होता है? नहीं, सेम साइज होता है। जब आप अंडर 6 और या अंडर 8 में खेलते ना, वो थोड़ा सा लाइन बनाते और उससे खेल के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन आपकी एज में वही कोर्ट होता है। अच्छा, ये बताएं घर में जब आप ये टाइटल जीत के आई, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? आपके बहन भाई हैं आपके? हाँ। तो वो उनमें से कोई खेलता है टेनिस? और क्या घर पे ही ट्रेनिंग होती है या किसी प्रोफेशनली किसी जगह पे जाती है? और दूसरा ये कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस वक्त ओबवियसली खेलना चाहेंगे, मे बी उनके अंदर भी स्केल हो जो आपके अंदर आपके बाप के बाबा ने दरियाफ्त किया कि आपके अंदर डिस्कवर किया कि है, तो उनके लिए भी कुछ बताओ कि वो क्या करें, कैसे आए सामने।
लेकिन फर्स्टली यू नो लाइक टेनिस इज वेरी हार्ड स्पोर्ट. ट्रू इट इज. हां तो लाइक इफ यू स्टार्टेड यू नो यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन सेइंग नो आई कैन नॉट डू इट देन यू कैन नॉट ऑब्वियसली बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द किड्स दे ऑल द टाइम यू नो दे गेट टायर्ड एंड दे डोंट वांट टू डू इट एनीमोर. अच्छा आपने जिन के साथ आपका मुकाबला हुआ इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा आपको मजा किसके साथ आया खेलने का और जिसको हराने का बहुत मजा आया? वो जो फाइनल में थी फर्स्ट टूर्नामेंट में ताजिकिस्तान नंबर वन. एंड व्हाट डू यू थिंक आप में ऐसा क्या था जो उनमें नहीं था कि आपने उनसे मैच जीत लिया स्ट्रेट सेट्स के अंदर? लेकिन मैंने उसको पहले भी हराया था तो मैं पॉजिटिव थी. यू वर कॉन्फिडेंट कि आप कर लेंगी. हां तो इसीलिए आप फिर कर गईं. हु डू यू आइडियलाइज बाय द वे इन टेनिस? कौन इंस्पायर? राफेल नडाल. राफेल. या पाकिस्तान में कौन करता है? आयसम उल्हा. तो कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ है शाम से आपको? हाँ मिला था. कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगता है और वो आयसम उल्हा को मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. आप एक फीमेल प्लेयर हैं, आप दोनों मेल प्लेयर्स को आइडियलाइज क्यों करती हैं? व्हाई नॉट अ फीमेल प्लेयर? बहुत बड़े श्रीना विलियम्स. ओके उन जैसा बनना चाहती हैं बट शी इज वेरी स्ट्रांग. मतलब बड़ी हो तो. अच्छा मानिए बताएं टेनिस तो आप खेलती हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं या जिसका आप शौक हो कि मैं टेनिस के जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप ये करती हैं? मुझे वो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है. अच्छा. हाँ और मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ बहुत ज़्यादा. वो मेरे से बहुत क्लोज है. तो मुझे ये बताएं टेनिस की कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं और कहाँ पे जाती हैं, कितना ट्रेनिंग होती है? सो मैं साइकस में जाती हूँ फेस 5 और मैं 3 घंटे मैं टेनिस खेलती हूँ और 1 घंटा मैं फिटनेस करती हूँ. फिटनेस करती हूँ. तो फिटनेस में क्या आपकी रूटीन होती है, किस तरह की एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करती हूँ? तो मैं कभी कभार हमारा फिटनेस रूटीन होता है पुशअप्स और मैं 100 पुशअप्स भी कर सकती हूँ. वाओ 100 पुशअप्स. अच्छा आप जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो जब बाहर जाते हैं बाबा मामा के साथ तो दे आस्क फॉर द बर्गर्स, अपने बर्गर खाने हैं या आइसक्रीम खानी है, ये वो फूड इनटेक है जो प्लेयर्स के लिए नहीं होता है. तो आप फिर क्या सब्र कर लेती हैं या खाती हैं? जब मेरा मैच होता है या टूर्नामेंट पे होता है मैं उसके बाद खाती हूँ. मेरा चीट डे होता है. अच्छा टूर्नामेंट के बाद आपका चीट डे होता है. तो नॉर्मली टीम में हानिया को सबसे ज़्यादा अम्मी अबा खाने का खास ख्याल रखते होंगे कि हानिया ने एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो खूब खिदमत कराती हैं आप अम्मा अबा से? हाँ कराती हैं. लाइक मामा वो मेरा खाने का ख्याल रखती है और बाबा मेरे वो टेनिस का ख्याल रखते हैं. और भाई के साथ मैच हुआ कभी? खेली भाई के साथ? वो तो बहुत छोटा है, वो 5 साल का है. अच्छा ओके चलें अब आखिर में मैं एक बार फिर चाहूंगा जो 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 बच्चे आपको देख जो आपकी एज के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं एंड दे वांट टू प्ले, आप उन्हें कोई सजेशन दें अच्छी सी, कुछ बताएं कि वो कैसे अपनी गेम स्टार्ट करें, कैसे वो आ सकते हैं, कैसे वो आप जैसा बन सकते हैं, कुछ बताएं? वो पहले तो अच्छे लोगों के साथ रहें. ठीक है. हाँ और डिसिप्लिन अच्छे रखें अपने. हाँ डिसिप्लिन रखें क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप कहेंगे नहीं मुझे ये खाना है वो खाना है, तो अगर आप ये कहते फिर आप नहीं बन सकते ना. अपने हैबिट्स, अपनी लाइफ को पैट्रनाइज रखना है, सैक्रिफाइसेस करने करने. और हानिया मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए खाने को लेके, है ना हानिया? बर्गर खाने को नहीं मिलता होगा. ठीक हो गया. हानिया मिनाज जी हमारे साथ मौजूद है और इतना जबरदस्त इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने अंडर 14 चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है और ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करी है और कहती है कि आपको आसानी से कोई चीज नहीं मिलती, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. इतनी छोटी सी उम्र में इनको बात समझ आई है. मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इनको देख के आइडियलाइज भी कर रहे होंगे कि जिस एज में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया. डेफिनेटली हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है. थैंक यू सो मच हानिया फॉर कमिंग जॉइनिंग अस. और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हानिया मौजूद थी. हमने कोशिश की कि इनसे बात भी करें और इनका मैसेज भी आप तक पहुंचाएं. अपने बच्चों के ऊपर, खासतौर पर अपनी बच्चियों के ऊपर ट्रस्ट है और अगर आपको कोई टैलेंट उनके अंदर नजर आता है तो उस पर उनको ट्रेन करें, वो बहुत कुछ बेहतर करके दे सकते हैं आपको. इसी नोट के ऊपर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं.